अगली खबर आ रही है बेसहारा बच्चियों को लेकर। अक्सर यह देखने सुनने को मिलता है कि शराब की लत से कोई हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। शराब का आदि व्यक्ति नशे के चलते किसी अपराध में संलिप्त होकर जेल चला जाता है, लेकिन वह अपने पीछे बच्चों को बेसहारा दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला निवाड़ी में आया है, जहाँ एक महिला अपने भाई की 4 बच्चियों की मजदूरी के दम पर परवरिश कर रही है, वह भी तब जब महिला के खुद बच्चे हैं। हालांकि अब कोतवाली थाना प्रभारी ने 4 बच्चियों के लालन पालन में मदद का भरोसा दिलाया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि बच्चियों का पिता अपनी पत्नी और मां की हत्या के जुर्म में जेल में बंद है। बच्चियां बीमार है और उनकी बुआ के पास इलाज के भी पैसे नहीं है। उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस स्थिति को देखते हुए उसने अपने परिवार में विचार विमर्श किया और बच्चियों की परवरिश में मदद की जिम्मेदारी ली। माताजी और इनकी दादी हादसे में ख़त्म हो गई हैं। उनके पिताजी उसी अपराध में जेल में हैं, बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, उनके इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है। अपनी बुआ के पास कहती हैं, बुआ भी कमज़ोर परिस्थिति में है, उनके भी 5 बच्चे हैं, परिवार बहुत दयनीय स्थिति में है। जी, तो माननीय संवेदना के आधार पर मैंने अपने परिवार से परामर्श करके जी इनको अपने परिवार में शामिल माना है। हमारे परिवार के सदस्य उनके खाना पीना कपड़े पहनना ओढ़ना और स्वास्थ्य शिक्षा इनके लिए जरूरी आवश्यकता है। कितने पहले घटना हो चुकी थी इनके पिता के? करीब 7-8 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, क्या कारण था? कारण तो पारिवारिक कुछ विषय था, अंदरूनी मामला था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को और अपनी माँ को खत्म कर दिया। उनको भी कुछ पुस्तकें बुलवाई हैं, बच्चियों ने बुलाया।